छोटी छठी मैया हमनी से बरत दो हार, हमनी से बरत दो हार। आज नहाए खाए करेंगे, गेहूं धोएंगे, गेहूं धो के सुखाना है और कद्दू भात बना के आज का प्रसाद कद्दू भात ही है। तहरे भरोसा हमनी के छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। छठ का पर्व यानी सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। ये पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र माह में और दूसरी बार कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो माने पूरा फैमिली लोग हम लोग मनिया से कद्दू को सब्जी बनेगा, दाल बनेगा, चावल बनेगा, हम लोग नहा खा कर रहे हैं, गेहूं धो रहे हैं सब। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ, जबकि कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। ये पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल देने वाला पर्व है। नहाए खाए के साथ चैती छठ पूजा शुरुआत होती है। चैत्र मास के प्रारंभ में ही घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है और घर के सभी लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं या पुरुष इस दिन व्रत का संकल्प लेती हैं और सेंधा नमक युक्त भोजन में चने की दाल, लौकी की सब्जी, अरबा चावल खाती हैं। आज से चार दिन अनुष्ठान शुरू हो गया है। आज ने हमने नहाए खाए किए हैं, कद्दू का सब्जी, दाल भात सब बनाएंगे, बचका बुचकी सब पूरा बनाएंगे, आज सबके भी बुलाएंगे, सबको प्रसाद खिलाएंगे और गेहूँ धोए हैं ठेकुआ बनाने के लिए और खीर और रोटी बनाएंगे। कल का खरना है और परसों अर्घ है। अर्घ में ठेकुआ का अर्घ पड़ता है, फल का अर्घ पड़ता है। चैती छठ पूजा का दूसरे दिन खरना कहलाता है। इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन बनने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। इस दिन शाम को कड़े नियम के साथ उपले या आम की लकड़ी पर गुड़ की खीर का विशेष पारंपरिक प्रसाद बनाया जाता है और फिर व्रती और सभी घर के सदस्य इसे ग्रहण करते हैं। इस दिन नमक का सेवन करना वर्जित रहता है। इस महाप्रसाद का एक भी दाना छोड़ा नहीं जाता है। इसके बाद से व्रती का 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू हो जाता है। घर का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। छठ पूजा में चार दिनों का छठ पूजा पर्व है। नहाए खाए से स्टार्ट होता है, पारण के दिन खत्म होता है। नहाए खाए के दिन हम लोग नहाए खाए करते हैं, कद्दू भात बनाते हैं और खरना के दिन खीर और रोटी का प्रसाद होता है। नहाए खाए के दिन गेहूं धोवाता है और पहली अर्घ को हम लोग सांझ में अर्घ देते हैं। सुबह में सूर्य भगवान को अर्घ दे के हम लोग मूंज उठाते हैं, उस दिन छठ पर्व समाप्त हो जाती है। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।